हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनय अरोड़ा फ्रॉम बीवा एड्यूको। मेरे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो स्टार्ट करने लगे हैं। बस आपने इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना है और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको कॉपी में लिखिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज 1/क्वाड्रेटिक की इंटीग्रेशन करनी है। अगर किसी नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए और कहा जाए कि उसको इंटीग्रेट करो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। अगर इस तरह की इंटीग्रेशन पूछ ली जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसा करने पे आपके पास ये फॉर्मूलास बनेंगे। कौन से? या तो बनेगा dx/x2+a2, जिसका आंसर होता है 1/a tan inverse x/a होल डिवाइडेड बाय dx ऑफ x, और इंटीग्रेशन में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आता ही है। या बनेगा हमारे पास dx/a2-x2, जिसका आंसर होता है 1/2a log mod of a+x/a-x होल डिवाइडेड बाय dx ऑफ x, या हमारे पास बनेगा dx/x2-a2, जिसका आंसर है 1/2a log mod of x-a/x+a होल डिवाइडेड बाय dx ऑफ x। तो एक बारी हम फिर देख लेते हैं और इस टाइप को हम प्रैक्टिस करते हैं कि जब कभी नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए और उसकी इंटीग्रेशन पूछी जाए तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, या ये वाला रिजल्ट बनेगा, या ये वाला फॉर्मूला बनेगा, या ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब हम इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से यह टाइप आ जाएगी। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन। सपोज कीजिए कि dx/3x2+2x+3 है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर नंबर 1 है। अगर नंबर कोई और होता तो आप उसको इंटीग्रल के बाहर ले आते। तो नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? जो लीडिंग कोफिशियंट होता है, सबसे पहले उसको 1 बनाना है। यानी हमने ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको 1 बनाने के लिए हमने 3 नीचे से कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने 3 कॉमन लिया तो आपके पास बना x²+2/3x+1। समझ गए मेरे बच्चे? अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट तो 1 हो गया है, उसके बाद आपने x का कॉफिशियंट देखा जो कि है 2/3, उसका हम हाफ करेंगे वो 1/3 हो गया, और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो 1/9 हो गया। जो ये नंबर आया है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे बच्चे, क्या हुआ कि dx/x²+2/3x+ ये नंबर आया है हमारे पास 1/9। वहां पे पहले 1 पड़ा हुआ था, वो तो ऐसे का ऐसे ही है, और क्योंकि हमने 1/9 ऐड किया है इसलिए 1/9 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। समझ गए मेरे बच्चे? फिर ये जो 3 चीजें हैं इनको ब्रैकेट में डाला। अब मेरे बच्चे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3 चीजें किसी का स्क्वायर है। x² x का होल स्क्वायर होता है, और 1/9 1/3 का स्क्वायर होता है, और बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिया। यानी ये जो 3 चीजें हैं इस चीज का स्क्वायर है। आप इसको एक्सपैंड करके देखिए, यही आ रहा है। और मेरे बच्चे, ये हम सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम 9 आ गया, और ऊपर 9-1 8 हो गया। तो यानी हमने जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। अब मेरे बच्चे, क्या हमने सीखा था
कि ऐसा करने पे जो टाइप की हमने स्कीम सीखी थी उसमें क्या था कि ऐसा करने पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनेंगे और वो रिजल्ट की फॉर्म में देखिए क्या ये आ गया है। 8 मेरे बच्चे किसका स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हमने ये जो 8/9 है इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या सीखा था हमने कि जैसे ही आप क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मूलास बन जाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो बन रहा है, ये बन रहा है dx/x2+a2। यहां पे x एक लीनियर चीज है मेरे बच्चे, और ये देखिए x की जगह क्या नजर आ रहा है, x+1/3 विच इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट, एंड a एक नंबर है जिसकी जगह हमें 2√2/3 नजर आ रहा है। और मेरे बच्चे हमने इसका रिजल्ट ऊपर पढ़ा था, वो क्या था कि dx/x2+a2 इज इक्वल टू 1/a tan inverse x/a होल डिवाइडेड बाय ddx(x)। तो बिल्कुल ये रिजल्ट हम यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे 1/3 तो पहले ही बार है, और 1/a यहां पे कौन है, 2√2/3 इंटू टैन इनवर्स एक्स, और मेरे बच्चे एक्स की जगह है x+1/3 एक्स डिवाइडेड बाय a, और a की जगह है आपके पास 2√2/3 प्लस सी, तो इंटीग्रेशन में आता ही है, और होल डिवाइडेड बाय ddx(x) यानी होल डिवाइडेड बाय ddx(x+3, और ddx(x+3) मेरे बच्चे x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/3 का 0 हो गया। तो मेरे बच्चे ये हमारा पास सिंप्लीफाई हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व करना है कर लीजिएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2√2 tan इनवर्स, ये अंदर अंदर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x+1 होल डिवाइडेड बाय 2√2+c। सो दिस इज अवर आंसर, बात समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये हमने सीखी कि नंबर के नीचे अगर क्वाड्रेटिक हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरे बच्चे है कि नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो। अब पीछे जैसा ही लग रहा है, बस पीछे और इसमें क्या डिफरेंस था टाइप 1 और टाइप 2 में कि वहां पे नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक था और यहां पे नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप को भी सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये तो मेरे बच्चे बिल्कुल पुराने जैसा ही हो गया, पिछली टाइप ही होगी कि उधर भी कहा गया था कि क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और ऐसा करने पर ये फॉर्मूले बनेंगे। कौन से फॉर्मूलास, dx/√x2+a2। इसका आंसर मेरे बच्चे ऐसे याद कीजिए, log mod of x लिखो प्लस लिखो ये लिखो, मैंने इस तरह से याद किया, आप भी ऐसे याद करें तो कभी भूलेंगे नहीं। dx/√x2+a2 का रिजल्ट है log mod of x लिखो प्लस लिखो ये लिखो होल डिवाइडेड बाय a लिखो, और डिवाइडेड बाय ddx(x) तो आना ही आना है, और प्लस c तो आना ही आना है। या हमारे पास जैसे ही क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा कि dx/√x2-a2। अगर वो जो आपने स्टाइल है याद कर लिया उसको मेमोराइज करने का, तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से याद कर सकते हैं, log mod of x लिखो प्लस लिखो ये से मेरा मतलब ये सारा जो डिनोमिनेटर में है ये लिखो, होल डिवाइडेड बाय a लिखो, और डिवाइडेड बाय ddx(x) तो आना ही आना है। ddx(x) का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिफरेंशिएशन आनी है, और रिमेंबर ये जो x है ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है और a एक नंबर है।
या हमारे पास बनेगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे a एक नंबर है और x एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, और इसका आंसर है मेरे बच्चे साइन इनवर्स x बाय a होल डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। तो एक बारी फिर देख लेते हैं कि अगर कभी हो नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आपके पास फॉर्मूलास बनेंगे डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, और इससे हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो सपोज कीजिए डी एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ से 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हमें कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करें। तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करेगा कि नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। जब मैं कहता हूं नंबर, तो यहां नंबर है 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अगर कुछ और होता सिर्फ 2 होता या 3 होता या कुछ और नंबर होता तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल में से कॉन्स्टेंट चीज बाहर आ जाती है। अब मेरे बच्चे नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे रूट 5 हमने बाहर, सॉरी 5 बाहर निकाला तो बाहर रूट 5 आ गया, इसमें से 5 कॉमन लिया तो रूट 5 बाहर हो गया, और ये बचा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 x प्लस 1 बाय 5। अब बिल्कुल वैसे जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, x का कोफिशिएंट है मेरे बच्चे 1 बाय 5, उसका हाफ हो गया 1 बाय 10 और उसका स्क्वायर हो गया 1 बाय 100। तो आपने बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं, ये जो 1 बाय 100 आया है इसको हमने ऐड करना है, और वहां पे 1 बाय 5 ऑलरेडी था और 1 बाय 100 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब मेरे बच्चे ये जो तीन चीजें हैं ये किसी का होल स्क्वायर हो गई हैं। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, ये बन रही हैं x प्लस 1 बाय 10 का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चे 5 और 100 का एलसीएम हो गया 100, ऊपर गया 20 तो ये बन गया 19, 1 बाय रूट 5 dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 बाय 10 का होल स्क्वायर। और ये जो 19 बाय 100 है मेरे बच्चे, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 19 बाय 10 का होल स्क्वायर। तो जैसा मैंने कहा था कि जब आप क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास कैसी टाइप्स बनेंगी, कैसा रिजल्ट बनेगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस बारी बना है ये डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहां पे एक्स प्लस 1 बाय 10 है, प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह यहां पे अंडर रूट ऑफ 19 बाय 10 है। और इसका मैंने याद करने का आपको तरीका सिखाया था, क्या था मेरे बच्चे, वो था एक बारी मैं आपको दिखा दूं तो मेमोराइज हो जाएगा, कैसे हमने लिखा था, लॉग लिखो, मॉड लिखो, एक्स लिखो, प्लस लिखो और ये लिखो, होल डिवाइडेड बाय ए लिखो। तो बिल्कुल सेम स्टाइल यहां पे लगाने लगे हैं, लॉग लिखो, मॉड लिखो, फिर x लिखो, प्लस डाल के यही चीज दोबारा लिखो, ये चीज, तो x प्लस 1 बाय 10 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 19 बाय 10 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a लिखो, और a यहां पे अंडर रूट ऑफ 19 बाय 10 है, और डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x, ddx ऑफ x क्या आने वाला है, वो 1 आने वाला है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, प्लस c तो हमारे पास लगना ही लगना है। तो ये मेरे बच्चे हमने क्वेश्चन सीखा
कि नंबर के नीचे अगर अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है. यू आर गेटिंग दिस? नो, लेट अस कम टू दी थर्ड टाइप, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक. कि अगर कहा जाए कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. ये तो तीनों टाइप का जो वर्किंग मेथड है ये सिमिलर है कि इसमें भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और ऐसा करने पे हमारे पास ये फॉर्मूले बनेंगे. कौन से फॉर्मूलास? या तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो मेरे बच्चे इसको याद करने का भी तरीका है. मैंने इस तरह से याद किए हैं, आप भी ऐसे याद करो तो मेमोराइज हो जाएंगे. सपोज कीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना है, तो ए यहां पे नंबर है, एक्स यहां पे एक लीनियर चीज है. इसको ऐसे याद कीजिए, एक्स लिखो ये लिखो, एक्स लिखो ये लिखो, डिवाइडेड बाय टू लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाय टू लिखो, इंटू इसका छोटे भाई का आंसर लिखो. इसका छोटा भाई क्या हो गया कि हमने पीछे पीछे जो टाइप पढ़ी थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसका आंसर था. इसका आंसर क्या था मेरे बच्चे? इसका आंसर था साइन इनवर्स एक्स बाय ए. तो वो ही लिखना है. अब दोबारा हम करते हैं कि सपोज कीजिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है, तो इसकी जो रिजल्ट है x लिखो ये लिखो डिवाइडेड बाय 2 लिखो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लिखो इनटू इसके छोटे भाई का आंसर लिखो. वो देखिए छोटे भाई का आंसर और होल डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x तो आना ही आना है. या दूसरा देखिए, सपोज कीजिए कि ये बना है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, बिल्कुल उसी स्टाइल से एक्स लिखो ये लिखो डिवाइडेड बाय टू लिखो, बस इसमें यहां पे माइनस ए स्क्वायर बाय टू और इसके छोटे भाई का आंसर. जो हमने पीछे वाली टाइप में इसका जो छोटा भाई सीखा था वो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो उसका आंसर था वही यहां पे लिख देना. दैट वाज लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी तो आना ही आना है, डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स तो आना ही आना है. या मेरे बच्चे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या बनेगा, एक्स लिखो ये लिखो डिवाइडेड बाय टू लिखो प्लस ए स्क्वायर बाय टू लिखो इंटू इसके छोटे भाई का आंसर. इसका छोटा भाई ये था मेरे बच्चे, इसके छोटे भाई का आंसर लिखो, तो वो भी हमने याद किया था होल डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ एक्स. तो आपने करना क्या है कि ये जो हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं इसमें जो फॉर्मूलास बनने हैं उसको आपने कॉपी पे नोट कीजिए, दो बारी प्रैक्टिस कीजिए, इन टाइप्स के वर्किंग मेथड को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगी. सो लेट अस नाउ understand this type with the help of a example. Suppose कीजिए 2x square plus x plus 5, इसको हमें कहा गया integrate करें. तो जैसे ही देखा कि under root के अंदर quadratic है तो इसको solve करने के लिए आपने quadratic को perfect square बनाना है. तो perfect square मेरे बच्चे 2 हमने common लिया तो root 2 बाहर हो गया, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू प्लस फाइव बाय टू. अब मेरे बच्चे x का कोफिशिएंट 1 बाय टू है, उसका हाफ 1 बाय फोर हो गया, उसका स्क्वायर 1 बाय 16 हो गया. 1 बाय 16 हमने पहले ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया. 1 बाय 16 ऐड किया है, 5 बाय 2 पहले ही पड़ा हुआ है और 1 बाय 16 हमने सब्ट्रैक्ट किया मेरे बच्चे. अब देखते हैं क्या बना. ये तीन चीजें किसी का स्क्वायर है, दैट इज x प्लस
वन बाय फोर का स्क्वायर, और मेरे बच्चे टू और सिक्सटीन एलसीएम हो गया 16, यहां पे एट क्या, एट फाइव 40 माइनस 139। तो मेरे बच्चे जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास ये वाले फॉर्मूले बनेंगे, देखे कौन सा फॉर्मूला बना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 39 बाय 16 को आप अंडर रूट 39 बाय 4 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक हो गया मेरे बच्चे। और अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैंने याद कैसे कराया था मेरे बच्चे, एक्स लिखो, एक्स कौन है यहां पे, एक्स प्लस 1 बाय 4 इंटू ये लिखो, ये से मतलब ये सारा लिख लो, होल डिवाइडेड बाय 2 लिखो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लिखो, ए स्क्वायर बाय 2 लिखो इंटू इसके छोटे भाई का आंसर, इसका छोटा भाई क्या था, डी एक्स ओवर अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका आंसर लिखो, और वो भी मैंने आपको याद कराया था, वो था लॉग मॉड ऑफ एक्स लिखो प्लस लिखो और यही चीज लिखो, एक्स लिखो प्लस लिखो यही चीज दोबारा लिखो, दिस इज अंडर रूट ऑफ 39 बाय 4 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय ए लिखो, अंडर रूट ऑफ 39 बाय 4, मॉड को हम मेरे बच्चे बंद कर देते हैं, प्लस सी और होल डिवाइडेड बाय डीडीएक्स ऑफ एक्स क्या आने वाला है, वन आने वाला है, एक्स का वन हो गया, वन बाय फोर का जीरो, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो मेरे बच्चे आज के इस लेक्चर में हमने तीन टाइप्स पढ़ी, सबसे पहली थी कि नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक, सॉरी नंबर के नीचे क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया। फिर दूसरी टाइप पढ़ी हमने मेरे बच्चे कि नंबर के नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करने के लिए भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया। और थर्ड टाइप मेरे बच्चे क्या पढ़ी हमने कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक की इंटीग्रेशन करनी है, तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक की इंटीग्रेशन करनी है, इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक को क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर। तो तीन टाइप आप सीख गए हैं, और तीन टाइप के साथ आपने 9 फॉर्मूलाज भी सीखे हैं। तो आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होगी। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। Make proper notes, keep on studying. Thank you very much.